नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A57 2022 वर्सेस Realme C35 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A57 2022 में 6.44 इंच जबकि Realme C35 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A57 2022 में 2.95 इंच जबकि Realme C35 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A57 2022 में 0.31 इंच जबकि Realme C35 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो A57 2022 में 187 ग्राम्स जबकि Realme C35 में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A57 2022 में 6.56 इंचेस जबकि Realme C35 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A57 2022 में 720x1612 और Realme C35 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 84.62% थे। बात करें PPI डेंसिटी की तो A57 2022 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Realme C35 में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A57 2022 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme C35 की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A57 2022 में पावर GE8320 जबकि Realme C35 में Mali-G57MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A57 2022 में MediaTek Helio G35 और Realme C35 में Unisoc T616 मिलता है। बात करें RAM की तो A57 2022 में 4GB की RAM मिलती है जबकि Realme C35 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A57 2022 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme C35 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A57 2022 में अप टू 1TB जबकि Realme C35 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A57 2022 में Android V12 जबकि Realme C35 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
A57 2022 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme C35 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A57 2022 में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme C35 की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme C35 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme C35 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है, दूसरा Xiaomi Redmi 10 Prime है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 50A Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।